कैसे हो लॉन्डो। तो आज हम आ चुके हैं फ्री फायर के गेम प्ले में, जहाँ पे बहुत सारे मेरे दोस्त लोग फ्रेंड्स बोल रहे थे कि तू फ्री फायर खेल, तो तुम्हारा भाई आ चुका है फ्री फायर का गेम प्ले लेके। और आज के हमारे गुरु मतलब ट्रेनर जो समझना चाहो समझ सकते हो वो है चेतन। तो खेलते हैं। एक्चुअली हम स्क्वाड खेल रहे थे, स्क्वाड नहीं 3v4 था। तो देखो सही बताओ ना गाइस, मैं खेल चुका था पहले तो था थोड़ा एक्सपीरियंस, तो कैसे खेलते। तो यहाँ पे आ चुके नीचे बरमुंडा। बरमुंडा लिखने के बाद इतना भी प्रो नहीं था, मतलब खेलता था मतलब जस्ट लाइक दैट नू बोनली भाई ऐसा खेलता था, नॉट लाइक कॉम्पिटिटिव प्रो वो सब नहीं, तो जस्ट स्टार्टर्स था। तो अभी यहाँ पे पोचिनको था कुछ तो ऐसा करके पढ़ा नहीं, तो मेरे को लगा मैं फॉलो कर रहा हूँ चेतन को, बट नहीं, हमको सब अकेले अकेले उतरना था। तो यहाँ पे हम उतर रहे पीक। तो यार देखना, तो यहाँ पे हमको लीड कर रहा है चेतन और हम उतर रहे। भाई ये मेरे को बहुत अलग लग रहा है पबजी से, लिटरली मैं वो स्क्रॉल कर रहा हूँ, ड्रैग कर रहा हूँ ऊपर ऊपर, बट वो नीचे नीचे जा रहा है। तो ये मेरे को बहुत दिन बाद खेल रहा हूँ ना, तो नहीं समझ रहा है। यहाँ पे हम जा रहे हैं अंदर लूटने, बट एक भी गन नहीं रहता है, बहुत गलत किस्मत रहता है तुम्हारे भाई का। यहाँ पे ये कौन आ गया, लूट नहीं ना, हाफ चड्डी पहन के आ गया। तो नहीं नहीं मिल गया मिल गया गाइस। आगे देखना बहुत गंदा सीन होता है तुम्हारे भाई के साथ, बट खेल भाई प्रो ही प्रो, मैं प्रोइस्ट प्रो ऑफ द प्रोइस्ट हूँ मैं। तो यहाँ पे मिल चुका है गन, सब कुछ फेमस मिल चुका है। फेमस बोल रहा हूँ, मेरे मुँह से फेमस निकलता है वो, बट फार्मस मिल चुका है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह अपने गुरु से पूछता हूँ कि कौन गुरु कौन सा गन अच्छा होना चाहिए, तो वो बताता है ये ऐसा गन उठा ये गन उठा, मेरे को नाम भी नहीं भाई। इन लोग के इसमें फर्स्ट एड ऐसा क्या बोलते ना, ऐसा पेन किलर जैसा गिरा हुआ रहता है रोड पे नहीं, गार्डन में गिरा हुआ रहता है, ओपन में गार्डन भी नहीं ओपन। तो यहाँ पे चेतन बोल रहा था उसके अंदर एक बंदा उतरा है, तो जाते हैं मारते हैं उसको। और क्या भाई, अगर ज़्यादा बंदा रहता ना बहुत सी मजा आता, बट 50 है तो क्या ही कर सकते हूँ। तो यहाँ पे आ गया, मेरे को दिख गया था बंदा। तो देखो तुम्हारा भाई अभी कैसे मारता है बंदे को, कहते ही जहर। अरे रुक गया वे, वे, ना गिन, 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 मर गई मर गई मर गई। यहाँ पे एक नॉक के लिए कहाँ से जा रहा था, मार रहा था बट नहीं हो रहा था, तो मार दिया तुम्हारे सामने। तो यहाँ पे 1v3 करते हुए, और यहाँ पे एक किल किसी ने मतलब किसी अलग बंदे ने कर दिया, तो यहाँ पे और सब मर चुके हैं। तो अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हाँ गाइज हमारा लाइव भी होता है तो सब्सक्राइब कर देना तो नोटिफिकेशन आएगा। और अगर अमोंग अस का स्ट्रीम चालू रहेगा अगर होगा तो आपको पहले से पता चल जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना गाइज प्लीज़। और तो फिर देखो अगर अमोंग अस खेलेंगे तो डिस्कॉर्ड का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो ये कर सकते हो आप, मेरा डिस्कॉर्ड पे सर्वर है उसको ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाओ, जल्दी से जल्दी जाओ और जाके ज्वाइन करो, हम लाइव आते हैं। और बताना कोई वालो वीलो खेलता है मतलब वैलोरेंट खेलता है तो हम ज़रूर खेलेंगे उन लोग के साथ, क्योंकि मेरे भी बंदे नहीं होते ना, तो मैं रैंडम के साथ ही खेलना पड़ता है। अगर कोई खेलता रहेगा तो बताना ज़रूर, साथ में करेंगे खेलेंगे। तो यहाँ पे फार्मस गिरा देते हैं, हम एक एम उठा लेते भाई। यहाँ पे मेरे को एक्चुअली आधे मैच तक मेरे को यही नहीं मिला था, एमो ही नहीं मिला था गन का किसी का, इतना गलत किस्मत किसका होता है। और भाई पिस्तौल ने जो जान बचे, माँ कसम ये हमारा गुरु भी नॉक हो गया था। देखना देखना गाइस वो सीन आएगा आएगा आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा गुरु से मांगते हैं एमो, गुरु के पास कपड़ा नहीं, गुरु भिखारी हो चुका है हमको सिखाते। उसके बाद एक कपड़ा तक नहीं है, बट टैटू है बदन पे, तो ट्रेवर के भी है पता ना गाइस, GTA 5 में का ट्रेवर, उसमें भी तो वही है, मतलब बंदे के पास पैसा नहीं है बट टैटू उतने बदन पे, हाथ हाई हर जगह। तो गुरु क्या कर रहे हो, हम स्ट्रीमिंग कर रहे हो तुम नहीं कर रहे हो, तो ऐसा मुंह के सामने से किल मत चुराया करो, बहुत बहुत अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता है। हम गेम प्ले डाल रहे हैं, हमको मारने दो ना, तुम मारोगे। यहाँ पे तुम्हारे भाई कट गया था क्योंकि मेरे को लगा वो कोई एनिमी है, बट वो हमारे नॉक हो गए। एक्चुअली इतने भी नूब नहीं आ रहे थे बंदे सही में, मतलब
मेरा था ना पहले से अकाउंट, तो इतना भी रूप नहीं आ रहे थे, और चेतन भी गुरु भी थे हमारे साथ, तो अब यहाँ पे SMG मिला, तो मैं बड़ा AKM बहुत हो गया, AKM स्कारल चला दे, स्कारल यहाँ पे, स्कार एक्चुअली स्कार है, स्कार एल नहीं है आगे, क्यों पता नहीं क्यों नहीं है, बट स्कार है, स्कार सिर्फ स्कार, पबजी में स्कारल ही बोलते इसलिए मुझसे स्कारल निकल रहा है। अभी और बंदे बाकी है गाइस, रुको रुको, तुमको क्या लगता है तुम्हारा भाई नूब है? नहीं भाई, देखना कैसे मारते बंदे को। तो अभी बैट वो हाथ में लेके, ये क्या पॉटी की है बीच में भाई, ये सच में बहुत ये लगता है, मतलब बीच में हक दिया कोई ऐसा टट्टी जैसा, से बड़ा अच्छा भी एक टाइम को, क्योंकि ओपन में कुछ हो रहा मस्त, ग्लोवर डाल लो मस्त उसके पीछे, यहाँ पे इसको मारने के बाद लो मेरा एमो खत्म, 0-12। तो अभी इसको लूटते हैं, अरे मैं पहले ही बैठ गया था क्योंकि पबजी में बैठने का आदत था ना, तो मतलब क्राउच करने का, तो पहले ही क्राउच कर लिया था मैंने, तो इसको पढ़ती है बहुत, एक गोया, अरे मेरा एमो खत्म हो गया, मैंने इसको एक को नॉक, नहीं नहीं किल ही हो गया क्योंकि चेतन ने, हमारे गुरु ने एक किल चुरा लिया था, समझ रहे हो, हमारे गुरु ने एक किल चुरा लिया था, इसलिए छोड़ो क्या बोल सकते हैं वो, यो क्या सर्कल बनना मेरे को नहीं पता, गुरु से बाद में डाउट पूछेंगे। अभी लूटने के बाद गुरु साला सब चाट रहा है भिंडी, अरे थोड़ा लूट हमको तो दे, मारने तो दे। तो अभी इसके पीछे पीछे जाते हैं, AR का एमो मांगते थोड़ा सा, तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या लूटने बट नहीं था, ओ भाई था ना, इसलिए मैं पहले इसको भागे ले रहता था, छोटे ही नहीं ना कुछ, तो मैं मेरे को लगा आगे करना पड़ता है क्योंकि पबजी में सही में करना ही पड़ता है आगे। तो देखो मतलब चेतन ने ना पूरा तो मैं क्या ही हूँ, उसको मार देता हूँ और मेरा सब गोली खत्म भाई, जो गलत सीन ये हो गया चेतन नॉक। ओ अगर ये गाइज अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना यार प्लीज़ गाइज, बहुत सपोर्ट मिलता है, और मेरे को इंस्टा पे फॉलो कर ले, लिंक मिल जाएगा आपको। और यार लो इसको मार दिया भाई, सही में अच्छा था, बहुत अच्छा बनता था। ओ इसके पास से सब एमो एमो मिल जाती यहाँ पे, इसका MP40 था बट मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, तो फिर अच्छा जाने दो, है जो उसे चला लेंगे। तो जैसे कि आपको पता है हम लूट ना ही पबजी में छोड़ते हैं ना ही फ्री फायर में छोड़ेंगे, तो इसलिए लूटने के बाद हम चलते नीचे, इधर सही में बंदा दिखा देता है कहाँ से मार रहा है, वो एक अच्छी बात है फ्री फायर में भाई, इतना बड़ा चाकू इतना सा बंदा भाई। ओ यहाँ फिर से, अरे गुरु जी हमको मारने दो ना, क्यों आप मार रहे हो, इतने वैसे भी इतने कम बंदे उसमें से आधा किल आप ही खा रहे हो, तभी हम क्या बोले, नहीं गुरु जी बताओ जरा सा। यहाँ पे एक बंदे को लॉन्ग रेंज से नॉक करते हुए, और हमारा भाई भी बीच में नॉक हो जाता है गलत सीन। यहाँ पे एक सीन है इसमें फर्स्ट एड नहीं होता, मतलब पूरा आधा हील नहीं होता, ना ही मेडिकेट होता है, शायद होता रहेगा मैं नहीं पता, बट अभी तक मिला नहीं, नहीं होता है, नहीं होता है शायद मेरे हिसाब से। तो इसमें रहता है बैंडेज टाइप रहता, थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, तो बैंडेज भी तुम एक ही जगह पे स्टेबल होना पड़ेगा, खड़े रहना पड़ेगा तभी तुम लगा सकते हो, वरना भूल जाओ, चलते चलते नहीं लगा सकते, इसलिए एक जगह पे खड़ा होना पड़ता है और बहुत टाइम लेता है, बट इनका रिवाइविंग बहुत कम टाइम लेता है एज कम्पेयर टू पबजी। तो अभी हम बैंडेज ढूंढते हैं, हमें पीक में उतरे थे उधर जोन से, किधर गए नहीं तो अच्छा हुआ, हम किधर भागे नहीं ज़्यादा। तो अभी कहीं भाई नॉक हो जाता है, तो देखो चेतन को पड़ती है, तो मैं बोलता आता तो आते आते मेरा भाई नॉक हो जाता है ऊपर, तो देखो कैसा मारते हैं, तुम्हारा भाई बहुत प्रो है, बहुत प्रो है लिटरली भाई, 59 का डैमेज दिया, बट ये लोग जल्दी नॉक तो यहाँ मर गए, ये डायरेक्ट फील हो गया। तो यहाँ पे मारते हैं, रुको जरा सबर करो सबर करो। तो यहाँ पे दो नंबर होता है, तो मैं फ्री फायर में को दिख नहीं रहा था तभी मैं कर रहा था, तो वो जल्दी बुलाता है चेतन, मतलब हमारे गुरुजी को कि आ जाओ जल्दी आ जाओ,
तो गुरुजी का भी चेला उसके पीछे पीछे, तो यहाँ पे हकते हुए चेतन मतलब ग्लोबल बनाते हुए और हम उनके पीछे पीछे आ चुके हैं वापस से। तो यहाँ पे देखो कैसे मारते हैं, वो लोग सामने थे, मेरे को पता ही नहीं था ये मेरा दो नंबर कुछ बता ही नहीं रहा था अच्छे से कहाँ था कहाँ नहीं। तो यहाँ पे पहले ढूंढते हैं अच्छे से कहाँ है कहाँ नहीं, फिर देखो कैसे मारते हैं। सिर्फ नौ ही बंदे बचे थे, नौ में से हम तीन और छः रहेगा कोई, देख सकते हो तुम्हारे भाई को और कर दिया 1v2। अगर गाइज ये सीन अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर कर देना गाइज प्लीज़। यहाँ पे तो मेरा भाई शायद आपस से नॉक हो जाता है बाद में, बट भाई अच्छा लगे भाई, फुल गंदा रिफ्लेक्स दिया मैंने, एक को नॉक किया दूसरा। तो अभी यहाँ पे सिर्फ और तीन ही बंदे बचे थे, तो कैसे मारते देखो। तो यहाँ पे बहुत सारा एमो भर चुका था, मैं बोलता हूँ गुरुजी को भी एमो चाहिए था थोड़ा सा, तो मैं बोला ले ले चल छोड़ जाने दे क्या है बोलूँ, तो उसको दे दिया। तो अभी और लास्ट के तीन ही बंदे बचे हैं, तो कैसे पेलते हैं देखो। तो यहाँ पे फिर से हमने वो क्या बोलते हैं उसको नाइफ नहीं क्या बोलते हैं शैडो फाइटर में क्या जो भी बोलते हैं वो हाथ में लेके हम लेके घूम रहे। बट एक फैक्ट नहीं पता, इन लोग का बैट उठ लेते हैं मतलब हम लोग इसमें पैन होता है वो सब लेने से फास्ट नहीं दौड़ता, पर इन लोग का लिटरली बहुत फास्ट रन करता है सब पकड़ने के बाद, जो भी मील आइटम रहता है ना वो सब पकड़ने के बाद बहुत फास्ट रन करता है। तो यहाँ पे जोन चले गए, पांच में से तीन हम, दो और बचे थे तो देखते तो एक एक तो कोई मार देता है एक को तो कोई। तो यहाँ पे मैं इसको मारता हूँ तो यार डायरेक्ट मर गया, और एक चेतन ने मार दिया। तो गाइस हो गया बोया, अगर अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, पीस आउट।